क्या है वॉर फिल्म के एक्शन की सात खास बातें, साहो और वॉर कौन सी फिल्म होगी सबसे बड़ी एक्शन फिल्म, क्यों लग रहा है इन फिल्मों पर हॉलीवुड की कॉपी होने का आरोप, वॉर का टीजर देखकर क्यों इमोशनल हुए जैकी श्रॉफ, ऋतिक ने किसकी सलाह पर की थी कहो ना प्यार है, और कैटरीना कैफ ने किस एक्टर को किया 2 घंटे तक किस। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी। जब दो बड़े कलाकार एक साथ मिलकर एक ही फिल्म में काम करते हैं तो उस फिल्म से उम्मीदें भी ज्यादा ही हो जाती हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है फिल्म वॉर के साथ। एंड इनफैक्ट अब तो टीजर भी रिलीज हो गया है जिसको देख कर उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि छोटे से इस टीजर से ही अंदाजा हो गया है, झलक दिखा दी गई है फिल्म के धमाके की। और आज इस वीडियो में हम इसी धमाके के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगी वो 7 बातें जो इस फिल्म के एक्शन को और भी ज्यादा खास और भी ज्यादा अलग बनाती है। नंबर 1, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ दोनों ही मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड हैं। और जब कोई एक्टर जिसने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हो वो एक्शन सीक्वेंसेस करता है तो उसके शॉट्स को देखने में मजा भी अलग आता है, क्योंकि आप एक एक शॉट को, एक एक सीन को बहुत ही करीब से देख सकते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई डांस कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से उन सीन्स को देखने का अलग ही मजा हो जाता है। और यही सेम चीजें हमें ऋतिक की पुरानी फिल्में जैसे कि धूम 2, बैंग बैंग, और टाइगर की पुरानी फिल्में जैसे कि बागी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में भी देखने को मिली है। तो इनके एक्शन सीक्वेंसेस को देखने का मजा ही अलग होता है, क्योंकि जिस तरह से ये एक्शन सीक्वेंसेस को निभाते हैं उसमें एक अलग ही अंदाज, एक अलग ही मजा होता है। और जब अब एक ही फिल्म में दोनों एक्टर्स जो कि मार्शल आर्ट ट्रेंड हैं वो एक साथ स्क्रीन पर एक दूसरे को कॉम्पीट करते हुए नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है फिल्म में अलग तरह का मजा तो आने ही वाला है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ, शर्टलेस सीन्स। अब देखिए, बात ऐसी है कि फिल्म में ऋतिक रोशन है और टाइगर श्रॉफ है जो कि दोनों ही अपनी हॉटनेस के लिए जाने जाते हैं। जहां एक तरफ ऋतिक रोशन है जिन्हें दुनिया भर में ग्रीक गॉड माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ है टाइगर श्रॉफ जो कि यंग यूथ्स के लिए एक सिंबल बने हुए हैं, एक आइकन बने हुए हैं। तो ऐसे में जब दोनों ही इतने हॉट एक्टर्स एक साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे तो भाई एक दो शर्टलेस सीन्स तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, जहां एक्शन के साथ साथ दोनों ही एक्टर्स एक दूसरे को अपनी हॉटनेस से भी चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि ये बात तो तय है कि थिएटर्स में बहुत ही गर्मी होने वाली है। चलते हैं आगे नंबर 3 की तरफ, लग्जरियस कार्स एंड बाइक्स। फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और टीजर को देखते ही इस बात का अंदाजा हो जाता है कि फिल्म में ऋतिक और टाइगर एक दूसरे के साथ एक्शन सीक्वेंस जो करते हुए नजर आएंगे उसमें हमें बहुत ही बेहतरीन कार्स और बाइक्स भी देखने को मिलेंगी। और ये दर्शकों के लिए एक अलग तरह का फ्लेवर भी हो जाता है, क्योंकि जब हमें एक्शन के साथ साथ बहुत ही महंगी कार्स एंड बाइक्स देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं दर्शकों में वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट हो जाती है। ऐसा और भी फिल्मों में देखने को मिला है, जैसे कि अगर हम बात करें फिल्म फास्ट एंड द फ्यूरियस की, ये पूरी सीरीज ही इस पर बेस्ड है, जहां हमें बहुत ही हाई मॉडल्स कार्स और बाइक्स देखने को मिलती हैं और साथ ही वहां चेस सीन्स होते हैं, एक्शन सीक्वेंसेस होती हैं, इसलिए दर्शक हमेशा अपनी कुर्सी पर इस तरह बैठे रहते कि ओह क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा, इस गाड़ी में क्या नया फीचर है, ये चीजें भी जानने के दर्शकों में कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट रहती है। और शायद यही बातें ध्यान रखते हुए इस फिल्म में भी बहुत ही महंगी कार्स और बाइक्स का इस्तेमाल किया गया है, ताकि न सिर्फ एक्शन पर ध्यान हो बल्कि लोगों की ये जानने में भी रुचि हो कि ये बाइक कौन सी है, ये कार कौन सी है, क्योंकि जब व्यूज अच्छे से मिलते हैं तो और भी सब चीजों में एक प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है। नंबर 4, फॉरेन लोकेशंस। दोस्तों, इस फिल्म को 6 कंट्रीज की 14 ग्लोबल सिटीज में शूट किया गया है, जिसमें नाम है स्पेन, जॉर्जिया, इटली, पोर्चुगल, स्वीडन और फिनलैंड का। और सबसे ज्यादा खास बात यह है कि फिनलैंड जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा
ठंडा शहर है जहाँ मतलब अगर आप थोड़ी देर भी बाहर रह जाएं तो ऐसी हालत हो जाती है कि बिल्कुल जम जाएंगे। ऐसी जगह पर इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को शूट किया गया है। इतनी कड़क सर्दी में भी पूरी फिल्म की कास्ट एंड क्रू ने काफ़ी बार अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ इस तरह के शॉट्स शूट किए हैं जो कि वाकई इस फिल्म को देखने वाले दर्शकों के लिए आंखों की ठंडक बन जाएंगे। खबर मिली है कि इस फिल्म के एक शॉट जो कि फिनलैंड में शूट हुआ है उसको शूट किया गया है दो गाड़ियों के जरिए से, जहां एकदम जमी हुई बर्फ में स्टंट सीन्स किए गए हैं और उस एक पर्टिकुलर सीन को शॉट करने में काफी बार हाथ से होते होते भी रह गए हैं। तो यानी कि फॉरेन लोकेशंस का भी मजा पूरा का पूरा इस फिल्म में मिलने वाला है। सिर्फ फिनलैंड की भी के अलावा भी काफी सारी जगहें ऐसी हैं, काफी सारे शॉट्स ऐसे हैं जो कि हमें टीजर में भी जिसका अंदाजा मिला है कि बहुत ही बेहतरीन विजुअल्स इस फिल्म में देखने को मिलेंगे और सिर्फ थिएटर में बैठ कर भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप पूरी दुनिया घूम कर आ चुके हैं। नंबर 5, वानी इन एक्शन। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आने वाली हैं वानी कपूर। और चूंकि फिल्म एक्शन से भरपूर है तो इस बात में भी कोई शक नहीं कि फिल्म में वानी कपूर हमें एक्शन सीक्वेंसेस करती हुई नजर आएंगी। खैर ये पहली बार भी नहीं है कि बॉलीवुड फिल्मों में कोई हीरोइन एक्शन सीक्वेंस करती हुई नजर आएगी। ऐसा काफी बार हो चुका है पहले कि हीरोइनें आगे आई हैं और उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं। इनफैक्ट इससे पहले काफी बार ऐसा भी हुआ है कि हीरोइनों ने खुद ही अपने एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं, किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल भी नहीं किया है। इस लिस्ट में नाम शामिल है सोनाक्षी सिन्हा का जो कि हमें फिल्म अकीरा और फोर्स 2 में एक्शन सीक्वेंसेस करती हुई नजर आई थी। इनके अलावा कैटरीना कैफ जो कि टाइगर जिंदा है में उन्होंने एक्शन सीक्वेंसेस किए थे और मजे की बात यह है कि कैटरीना अपने एक्शन सीक्वेंसेस खुद ही करना पसंद करती हैं। कंगना रनौत भी हमें एक्शन सीक्वेंसेस करती हुई नजर आई है फिल्म रिवॉल्वर रानी और क्रिश 3 में। और अब हाल ही में खबरें बनाई हुई हैं श्रद्धा कपूर ने जो कि अपनी अगली फिल्म साहो में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस करती हुई नजर आएंगी। तो जब ऋतिक और टाइगर दोनों ही एक्शन सीन्स करते हुए नजर आएंगे तो देखना ये है कि वानी एक फीमेल को जब रिप्रेजेंट कर रही है तो एक फीमेल कैरेक्टर किस तरह का अलग अंदाज से एक्शन करेगा, ये देखना बहुत ही मजेदार होने वाला है। और ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये फिल्म वानी कपूर के फिल्मी करियर की एक बड़ी फिल्म हो सकती है, उनके करियर को एक अच्छी राह पर ले जा सकती है। खैर टीजर में तो उनके लिए कुछ करने के लिए ज़्यादा था नहीं, बिल्कुल एक बहुत ही मिनिमल सा शॉट नज़र आया है जिसमें वो बीच के सहारे खड़ी हुई नज़र आई हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्रेलर में उनके एक्शन सीक्वेंसेस का थोड़ा सा मज़ा हमें मिल ही जाएगा। आगे चलते हैं नंबर 6, स्टाइल। बात आती है ऋतिक रोशन की तो ऋतिक कुछ भी करते हैं तो उनके हर, चाहे वो डांस करें या वो एक्शन सीक्वेंस करें, वो रोमांस करें, वो कुछ भी करें, उसका उनका एक अलग अंदाज है, एक अलग फ्लेवर है। धूम 2 में जब ऋतिक इस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस करते हुए नजर आए थे तो उनमें एक अलग ही एक कशिश होती है जो वो उस कैरेक्टर को जिंदा कर देते हैं। वो इस तरह से अपने टशन में, अपने स्टाइल में चीज़ों को करते हैं कि वो चीज़ें खुद ब खुद ही अच्छी लगने लग जाती हैं। वहीं टाइगर की बात करें तो टाइगर सभी चीज़ें ज़्यादातर पोकर फेस के साथ करना पसंद करते हैं। उनकी किसी भी फिल्म की अगर हम एक्शन सीक्वेंसेस की बात करें तो उनका एक जो लुक है वो कॉन्स्टेंट रहता है, वो ज़्यादा चेहरे के साथ ना खेलकर वो अपनी बॉडी के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो ऐसे में दो बिल्कुल अलग अलग फ्लेवर्स हमें एक साथ स्क्रीन पर देखने को नजर आएंगे, जहां उम्मीद की जा सकती है कि ऋतिक जब एक्शन करेंगे वो अपने स्टाइल के साथ, अपनी अदाओं के साथ, जो वो फेस के साथ जो थोड़ा थोड़ा खेलते हैं ना जिससे मजा आ जाता है, वो कुछ ऐसा करते हुए नजर आएंगे। एंड टाइगर एज यूजुअल वो अपने पोकर फेस के साथ नजर आने वाले। नंबर 7, लव हेट रिलेशनशिप। इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि इस फिल्म में ऋतिक रोशन टाइगर के गुरु का किरदार निभाने वाले हैं और कहीं ना कहीं जाकर फिल्म में ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं और उसके बाद ही दोनों का फेस ऑफ होता है, जहां एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए नजर आने वाले हैं। खैर इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करें या इंडियन हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो ऐसा काफ़ी बार देखने को मिला है। इनफैक्ट ऑडियंस इस तरह की कहानियों को ज़्यादा पसंद करती है जहाँ गुरु शिष्य रिलेशनशिप देखने को मिलता है।
और पहले भी ऐसा हुआ है, अगर हम महाभारत के टाइम की बात करें तो अर्जुन द्रोणाचार्य का जो रिलेशन है गुरु शिष्य का, भीष्म परशुराम भी एक दूसरे के गुरु और शिष्य थे, और दोनों ही केसेस में ऐसा हुआ कि गुरु और शिष्य एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए और जब युद्ध की बात आई तो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो वही रिश्ता हमें इस फिल्म में भी देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि माइथोलॉजी से ये फिल्म प्रेरित हो, इस तरह का रिलेशन हमें देखने को मिले और कहीं ना कहीं झलक हमें, हालांकि फिल्म को आज के वक्त के हिसाब से बनाया गया है, लेकिन पॉसिबल है कि हमें कहीं ना कहीं महाभारत की भी झलक इस फिल्म में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये है वो 7 बातें जो इस फिल्म के एक्शन को सभी फिल्मों से अलग बनाती हैं। इसी साल रिलीज हो रही है प्रभास की फिल्म साहो, जिसे साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म कहा जा रहा है। वहीं टाइगर और ऋतिक का फेस ऑफ होना है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म का भी एक्शन किसी भी लेवल पर कम नहीं होने वाला। तो बात आती है कि आखिर कौन सी फिल्म को हम साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म कह सकते हैं। देखिए, एक तरफ है साहो, जिसके एक्शन को डायरेक्ट किया है केनी बेट्स ने, जो कि दुनिया के सबसे बड़े एक्शन कोरियोग्राफर माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ है फिल्म वॉर, जिसके एक्शन सीन्स को कोरियोग्राफ किया है हॉलीवुड के जाने माने एक्शन कोरियोग्राफर एंडी आर्मस्ट्रॉन्ग और कोरिया के बेस्ट मार्शल आर्ट कोरियोग्राफर सी यंग ओह ने। तो ऐसे में दोनों ही फिल्में इस लेवल पर बनाई जा रही हैं कि इनमें हॉलीवुड से डायरेक्टर्स को बुलाया गया है और जो शूट है वो बाहर की कंट्रीज में हुआ है, जहां साहो के सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस को, जो कि 8 मिनट का है, उसको शूट करने पर 70 करोड़ रुपए की खर्च किया गया है। वहीं दूसरी तरफ वॉर फिल्म में एक सीन शूट किया गया है फिनलैंड में और वहां सब ने अपनी जान जोखिम में डाली है सिर्फ और सिर्फ उस एक शॉट के लिए। तो ये कहना अभी तो गलत ही होगा कि कौन से फिल्म सबसे बड़ी एक्शन सीक्वेंस होगी, ये तो फिल्म देख कर ही, उसके कलेक्शन को देख कर ही कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, दोनों ही फिल्मों पर हॉलीवुड की कॉपी होने का आरोप जरूर लगाया जा रहा है। अब एक बात सोचने की है भाई कि वक्त आगे चल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, जहाँ बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों मिलकर काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में गलत क्या है कि अगर हॉलीवुड से डायरेक्टर्स को हायर किया जा रहा है और फिल्म को बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। मतलब ये बात समझना मुश्किल ही है कि क्यों लोग छोटी छोटी बातों को लेकर ये कहने लग जाते हैं कि कॉपी की जा रही है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड है, हॉलीवुड की फिल्मों से इंस्पायर्ड है, और अगर उनकी फिल्में इतने बड़े लेवल पर बन रही हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के उनके कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं, उनके डायरेक्शन पसंद आ रहा है, तो इस बात में कुछ गलत भी नहीं है कि आप उनसे इंस्पायर होकर कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाए। जैसे कि बाहुबली एक अलग ही तरह की फिल्म है, उसके एक्शन सीक्वेंसेस इस तरह से शूट किए गए, कहानी इस लेवल की है, कॉस्ट्यूम इस लेवल की है कि वो फिल्म इंडियन सिनेमा को एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले गई। तो अगर ऐसा ही कुछ इन फिल्मों से हो जाता है तो इसमें गलत क्या है? आप इंस्पायर हो रहे हैं चीज़ों को, उनको अपने इंडियन फ्लेवर के साथ दिखा रहे हैं, तो उसमें मेरे हिसाब से तो कुछ कॉपी है नहीं। तो लोगों को इस तरह का आरोप भी नहीं लगाना चाहिए कि ये फिल्में कॉपी है। फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और टाइगर श्रॉफ के पिताजी यानी कि जैकी श्रॉफ ने फिल्म का टीजर देखा। टीजर देखने के बाद जैकी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए। दरअसल हुआ यूँ कि जब उन्होंने टीजर देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि फिल्म में उनके बेटे यानी कि टाइगर श्रॉफ ऋतिक रोशन के साथ काम कर रहे हैं, और उन्हें वो वक्त याद आ गया जब फिल्म किंग अंकल की शूटिंग के वक्त ऋतिक सेट पर असिस्ट कर रहे थे और ऋतिक का काम था छोटे से टाइगर को संभालना। इस बात का जिक्र खुद जैकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया है, जहां इस किस्से को उन्होंने मेंशन किया है। तो फिल्म का टीजर देखकर उन्हें वो दिन याद आ गए जब छोटे से थे टाइगर और उनको संभाला करते थे ऋतिक, और अब फिल्म में दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो जैकी के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि ऋतिक जैसे सुपरस्टार के साथ उनके बेटे टाइगर श्रॉफ काम कर रहे हैं और उनके साथ एक्शन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये भी सब जानते हैं कि टाइगर के लिए ऋतिक एक इंस्पिरेशन की तरह है, वो उनको आइडल मानते हैं। दोस्तों, ऋतिक ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था फिल्म कहो ना प्यार है से, और इस फिल्म ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और इनफैक्ट लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इस फिल्म का नाम दर्ज है।
लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए ऋतिक पहली चॉइस नहीं थे। दरअसल इस फिल्म को ऑफर किया गया था शाहरुख खान को, लेकिन चूंकि शाहरुख के पास वक्त की कमी थी और वो ऑलरेडी इतनी सारी फिल्मों में बिजी थे, इसीलिए शाहरुख ने ऋतिक को सजेस्ट किया कि वो अपने फादर से बात करें इस फिल्म को लेकर, और क्यों ना ऋतिक खुद इस फिल्म में काम करें। तो ऋतिक गए अपने पिताजी के पास और उन्होंने कहा कि देखिए पापा, आप ऑलरेडी इतने सारे खानों के साथ, मतलब सब खानों के साथ काम कर चुके हैं, इतनी सारी फिल्में बना चुके हैं इनके साथ, तो क्यों ना आप किसी नए चेहरे को इस फिल्म में कास्ट करें। और जब उन्होंने ये बात सोची तो उनको लगा कि क्यों ना वो अपने बेटे को ही इस फिल्म के साथ लॉन्च कर दें, और उनका ये डिसीजन बिल्कुल सही साबित हुआ और इंडस्ट्री को मिल गया एक और सुपर स्टार। कैटरीना कैफ ने किस एक्टर को किया 2 घंटे किस? हाँ, ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी सी लगती है कि पॉसिबल कैसे है, लेकिन हम बताते हैं कि आखिर इसके पीछे का किस्सा क्या है। दरअसल कैटरीना कैफ की फिल्म है बूम, जिसमें उन्होंने गुलशन ग्रोवर के साथ काम किया है और फिल्म में अमिताभ बच्चन भी हैं। तो ये फिल्म कैटरीना के करियर के शुरुआती दौर की फिल्म है। तो फिल्म में अमिताभ बच्चन काम कर रहे हैं, जो कि बॉलीवुड के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं। तो जब गुलशन ग्रोवर के साथ कैटरीना को रोमांस करना था तो सेट पर अमिताभ बच्चन भी मौजूद थे। अब चूंकि वो इतने सीनियर हैं तो कैटरीना को उनके सामने ये सीन शूट करने में बहुत शर्म आ रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन अमिताभ बच्चन के सामने वो गुलशन ग्रोवर को किस नहीं कर पाई। तो इसीलिए दोनों को कहा गया कि जी आप रूम में जाइए और रिहर्स कर आइए, उसके बाद ही हम इस शॉट को शूट करेंगे। तो दोनों रूम में गए और 2 घंटे तक उन्होंने इस सीन की प्रैक्टिस की थी, इस सीन को रिहर्स किया था, और उसके बाद जब वो आए तब जाकर इस सीन को शूट किया गया था। तो दोस्तों, ऐसी ही और दिलचस्प बातें जानने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियो से। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।